हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? आज आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज गाइस आ गए हम वापस उसी रोड पे अपने एक नई गाड़ी का रिव्यू लेने। तो ये गाड़ी है अपने ऋतिक भाई की, जिसकी अभी तक नंबर आई नहीं है। टीसी नंबर से ही काम चला रहे हैं, एक बार चालान कट भी चुका है। वो बिना हेलमेट का था बाइक के ऊपर, अभी लाइसेंस भी नहीं है। चलो अपन बात करते हैं इनकी नई बाइक के लिए। ये है अपनी TVS अपाची 164V। जैसे कि यहाँ पर ब्रांडिंग देखने को मिल रही है, ये अपने पास स्पेशल एडिशन है इस गाड़ी का। और गाइस अपन ने इसको परचेज़ किया, हाल ही में परचेज़ किया इसको। परचेज़ करे हुए अभी 2 वीक से ऊपर हो गए शायद हमारे को। इसके नंबर भी आ चुके हैं, आज अपन जाएंगे इसको लगवाने। इसमें अपन को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिलती है। चलो पहले बात कर लेते हैं फ्रंट लुक से। तो फ्रंट में अपन को एक DRL मिलती है, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक DRL मिलती है जो कि बहुत सही लाइट कर दी इन्होंने। बीच में क्या सेकेंड जनरेशन जो आई थी ना, उसके अंदर लाइट मतलब बहुत बेकार आई थी। और ये इसका लो बीम, इसका हाई बीम मिलता है। आगे का टायर अपन को मिलता है 100 सेक्शन का टायर मिलता है। 200-250 सेक्शन की अपन को डिस्क ब्रेक मिल जाती है इसके अंदर। इसमें अपन को ABS मिल जाता है फ्रंट के अंदर, और वही टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। नीचे अपन को मिल रहा है यहाँ पे साइड, ये गार्ड मिलता है अपन को, और ये इंजन कॉल मिलता है। ये बहुत सही चीज़ होती है, इंजन को बहुत प्रोटेक्ट करती है। एक्चुअली क्या मेरी बाइक में तो ये चीज़ आती नहीं थी, जब एक्सट्रीम उसमें अभी तक नहीं आया इसमें। और बाकी पावर कट साइड स्टैंड वगैरह मेन स्टैंड, ये सिंगल वाले इसमें गियर मिलते हैं अपन को। बाकी कलर इसमें यही था। इसमें एक ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है अपन को TVS की तरफ से। इसमें से अपने मीटर के अंदर सब कुछ बताएगा, इसका फ़ोन और नोटिफिकेशन वगैरह जो भी आ रहा है। पीछे के अंदर देखा जा रहा है 130 सेशन का टायर मिलता है। इसमें अपन को टायर हगर भी मिल रहा है साथ में, सब कंपनी से ही मिला है अपन को। यहाँ पे 2 रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, ये टेल आई डी, यहाँ पे एक लैम्प मिलता है अपन को, और यहाँ पे भी लैम्प मिलता है। बल्ब इंडिकेटर अभी भी इसके अंदर ही आता है। इस पीछे भी एक रिफ्लेक्टर है, और साड़ी गार्ड और लेडीज़ फुटर्स तो दोनों मिलते हैं अपने साथ में। तो सर बात करें तो अपन इसके लीवर और क्लच की, इसमें एडजस्टेबल मिलता है अपन को, मतलब जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से है ना, बहुत सही है यार। क्योंकि इसमें लिक्विड कूल्ड इंजन आता है 159 cc का सिंगल सिलेंडर। तो उसके एवरेज मतलब मान के चले तो अपन आराम से 40 क्रॉस जा रही है इसकी एवरेज अभी भी। और बाकी सर्विस के बाद तो उसकी एवरेज खुलनी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मेन जो है कि मिरर्स बड़े स्टाइलिश कर रखे हैं, और इनके जो लीवर और क्लच है ना, एडजस्टेबल है बिल्कुल। ये अपने हिसाब से कर सकते हो आप। तो गाइस अपन बात करते हैं इसकी मीटर कंसोल की। मीटर दिखा देता हूँ आपको, इसमें वाइट कलर का मीटर मिलता है 200 वाला। अभी फ्यूल की लाइट जल रही, फ्यूल का हमें ब्लूटूथ की लाइट इधर जल रही है अपनी। ये अपना गियर पोजिशन, ये अपना टैकोमीटर, ये एवरेज स्पीड नाप रहे हैं 23 किलोमीटर की है। और ये इसका ट्रिप 1 चल रहा है अभी, इसको लास्ट भाई ने भगाई है। इसमें ये भी दिखाता है गाइस आज कितनी गाड़ी चली है अपनी लास्ट, ये 100 तक भगाई है भाई ने अभी तक इसको। चलो अभी तो सीख जाएगा, अभी तो सीख रहा है वो गाड़ी चलाना। बाकी 360 किलोमीटर चला दिए भाई ने, तो 140 किलोमीटर और बचाया, तो उसके बाद इसकी सर्विस होने वाली है ही। बाकी जो भी है गाड़ी है ना, बहुत नाइस है यार। मैंने अभी इसे बिली भी मारी, बहुत अच्छा पिकअप है। बाकी गाड़ी में एक सबसे मेन पॉइंट है, ये अपने ब्लूटूथ का कनेक्टिविटी का है। और ये देखो इसके में ये जो बटन आया ना मोड्स का, ये रेन मोड, फर्स्ट मोड ये है, ये अपना अर्बन मोड आ गया, और ये अपना स्पोर्ट्स मोड आ गया। तो गाइस मैं आपको पहले गाड़ी की आवाज़ सुनाता हूँ। उसका एग्जॉस्ट नोट भी बहुत प्यारा है, मतलब TVS के में मामले में तो यार आप जानते ही हो यार, जैसे 310 आई जैसे मैं तो फिदा यूज़ पे। अपन को आ गए फ्रेंड दोनों टाइम। तो गाइस हमके पास दोनों जगह अपन को डिस्क ब्रेक वाला ऑप्शन मिला है इसके अंदर। लेकिन इसमें यार LED इंडिकेटर देने चाहिए थे, पता नहीं अभी भी बल्ब इंडिकेटर ही क्यों देते हैं ये लोग। ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आई इस गाड़ी के अंदर। लेकिन इन्होंने एडजस्टेबल क्लच लीवर और क्लच दे रखे हैं, वो भी इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। बाकी आपको चेन कवर वगैरह मिल रहा है, जो कलर है इसका मैट ब्लैक है, ये स्पेशल एडिशन में अभी तक एक ही कलर आया है। और ये लिक्विड कूल इंजन गाड़ी है, इसमें इसका रेडिएटर भी लगा हुआ है यहाँ पे कूलेंट के लिए। तो कहते अभी तक तो मैंने इसको 100 तक ही अप्रॉक्स भगाया है, क्योंकि भाई ने बोला है कि उन्होंने मना कराया अभी तक TVS वालों ने भगाने के लिए। बाकी अपन को इसमें इंजन का ऑयल भी मिल जाता है, जो अपने इंजन को डैमेज होने से बचाता है हद तक, तो बहुत हद तक। बाकी यही जो नॉर्मल डिटेल्स वगैरह होती है गाइस अपनी गाड़ी की, यही थी। बाकी इसको चलाने का यार मज़ा बहुत है रियल में यार। गाड़ी इसमें अपन छोटा सा देखो, यहाँ पे एक साइन मिल जाता है अपने इंडिया का,
बैजिंग मिल जाती है यहाँ पे, लव भी हाई भी मिल जाती है, इसका मीटर भी बड़ा सही है। इसमें जो विंडशील्ड आती थी ना वो अब बंद कर दी है टीवीएस वालों ने, वो BS6 मॉडल तक तो आती थी, लेकिन स्पेशल एडिशन के अंदर मना कर दिया उन लोगों ने डालने से। अब आई होप शायद कुछ मॉडिफिकेशन आएगी तो थोड़ी बहुत इसमें भी कराएंगे। बाकी मुझे इसके अलॉय अच्छे नहीं लग रहे, अलॉय ब्लैक कर देनी चाहिए था टीवीएस वालों को, पता नहीं क्या करा है। चलो वो सब तो अपन करा लेंगे। गाइस इस गाड़ी का ये था, आज जो उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना अपनी गाड़ी की, उसमें इस गाड़ी की नंबर प्लेट वगैरह लग जाएगी सब। उसमें हल्का मैं सोच रहा हूँ सिंटेक के है ना फ्लैशर लगाऊँ, क्योंकि बिना फ्लैशर की गाड़ी चलाने मज़ा नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तो गाइस जैसा भी है ये अपनी बाइक है, ये अपनी फैमिली के अंदर आई है, अपनी ही मानी एक तरह से, इसको अपन ही चलाते रहते हैं, भाई को कम चलानी आती बहुत। तो गाइस जो अपन सेकंड गाड़ी की रिव्यू करके आएंगे वो शायद तक अपाचे की ही, मतलब TVS की ही ब्रांडिंग की गाड़ी होगी कोई, ये तो रॉनिंग या फिर RR 310, क्योंकि अपन को शोरूम जाना है इस पे, इसके नंबर लगवाने भाई की गाड़ी के। अपने स्विच कंट्रोल से बता देता हूँ, स्विच की है ना बहुत क्वालिटी बहुत प्यारी दी है इन्होंने यार, देखो इंडिकेटर्स की, ये हॉर्न बड़ा प्यारा है इसको, सुनिए एक बार। एग्जॉस्ट सब मतलब बढ़िया है गाड़ी के अंदर, इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है आपको लाइट जलानी नहीं जलानी। और यहाँ पे अपन को TVS का एक लोगो मिल जाता है हॉर्स वाला, ब्रांडिंग सा यहाँ एक ब्रांडिंग, वहाँ थोड़ी सी रेस एडिशन वाली ब्रांडिंग हो रखी है। तो ये स्पेशल एडिशन का यही था, इसमें 14 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिल जाती है बाइक के अंदर। और तो गाइस बाकी जो भी नॉर्मल है, जो भी अपडेट आएंगे अपन इसके अंदर, सिंटेक के हज़ार लगाएंगे उसकी भी वीडियो आएगी आपके पास। तो गाइस मिलते हैं आपको नए एक वीडियो के अंदर, जब तक के लिए बाय गाइज़।